गुलाब का फूल तो भाई देर रोज मांग रही है, कितने का भाई? 20 रुपए का है, भेजने तुम्हें तो भाई दे, जिद कर रही है, चलो एक दे दे भाई, ये वाला दे बढ़िया, ये लो, आई लव यू। तो भाई ले लिया है बिस्किट। अमन जी मैं खुश हो गई है, रिएक्शन तो दिखा दो। देखो भाई दुआ दे रहे हैं कि बनी रहेगी। बस ये DLF मॉल है नोएडा का, अब इसके अंदर है हमारा लोकेशन, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो आप पहले देख लो मॉल, फिर चलते हैं फिर इसके अंदर। सो गाइस फाइनली हम मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं एंड हम जा रहे हैं अपने लोकेशन पर। मजा भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा, अब हम अपने लोकेशन पर जाने वाले हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम शाहरुख। आप लोग भी तो जानते हो गाइस, यस गंभीर। तो गाइस आज हम फिर से जा रहे हैं एक नई लोकेशन पे, बहुत बढ़िया जगह, और हम किसी से मिलने जा रहे हैं। यस भाई कुछ बताना चाहोगे? हाँ बता रहे थे, थोड़ा हिंट दे रहे थे। हाँ दे दो, पूरे नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो देखते नहीं है, देखते नहीं। किससे मिलने जा रहे हैं? बहुत ज्यादा नर्वस फील हो रहा है। आज जाने वाले हैं PM मोदी जी से मिलने। मेरी आवाज भी अटक रही है क्योंकि मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। तुमने कहा है आप लोग हमारे से मिलने हो, हमें आपसे कोई बात करनी है। क्योंकि तुम्हें बताइए तुम्हारे भाई के 80 के हैं, भाई के 100 के हैं, 150 के हैं, 200 के हैं, तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, यहाँ पे लिंक है, जल्दी जाकर फॉलो करो। तो गाइस आपको पूरा व्यू दिखाते जाएंगे एंड लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको। लोकेशन थोड़ी सी बता दो पूरी। हम जा रहे हैं नोएडा बस, और बहुत प्लेस है गाइस, बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, बहुत ही फन करने वाले हैं वीडियो में आज हम, क्योंकि गाइस ऐसी जगह है, देखो जाम चारों वहां फन ना हो तो क्या मजा है यार, क्या पता आज हम सलमान खान से भी मिल ले, क्या पता जी मोदी जी का नंबर लेके आएंगे आज, क्योंकि मोदी जी से मिलना हम बात थोड़ी सलमान खान से मिल सकते हैं। सही बात, सब एक्साइटेड हो ना भाई? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो गाइस आप लोग भी एक्साइटेड हो गए होंगे हमारी बात सुनकर मुझे पता है। तो गाइस वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना, तो चलते हैं फिर। चले चलो, तो वीडियो को मेट्रो में वेट करते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मुझे वेटिंग बड़ी बेकार लगती है यार, ये वेटिंग तो चलते हैं, ठीक है। तो हे गाइस फाइनली हम मेट्रो में बैठ चुके इतनी देर वेट करने के बाद। यश भाई कितना वेट करा था? ज्यादा 20 सेकंड, आज कभी वेट करवाया, लेकिन हमें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। बहुत देर वेट कर ली, लेकिन हम आधे स्टेशन पार कर चुके हैं, है ना? हाँ भाई, मेरे को 6-7 स्टेशन बाद से आ जाए। तो गाइस आप मुझे बता दो, दिखाऊं तो निकाल लो यार, उनको भी तो देखना है। आगे पहुंचे आईटी स्टेशन, हम पहुंच चुके हैं एंड देखते हैं फिर बहुत ज़्यादा हमारे बैठो। और चलो और कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं सारे, तीन बताओ। ये तो गाइस बेइज्जती मार रहा है, इसकी कमेंट नहीं झंड मार दो। तो फिर मैं मिलता हूँ आगे। तो हे गाइस हम मयूर बैर उतर चुके हैं एंड अब यहाँ से मुझे चेंज करना है। कहाँ जाना है यहाँ से? हमें यहाँ से जाना है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन पे जाना है? ब्लू लाइन। कितने स्टेशन होंगे वहाँ से? 5 पाँच स्टेशन, 4 स्टेशन है फिर पहुँच जाए। अब यार वहाँ से मैं बताएंगे, बहुत ज़्यादा सेकंड हूँ मैं, आप भी हो, बहुत ही ज़्यादा, आप भी हो, आप तो हो यार, कि आपको मोदी चाचा हमारे मोदी, चलो चाचा जी से मिलने। तो ये गाइस फिर से वेट करा हमने, अब मेट्रो आ गई, आपको मेट्रो दिखा दो। मेट्रो आ गई है तो भाई चले अंदर, तो हम चले अंदर, चलेंगे अंदर। भाई बहुत भीड़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भीड़ दिखाई। यश भाई इधर आओ इधर। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं, यश भाई पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी रह रहा है भाई यहाँ ना। हाँ भाई क्या कह रहा हूँ भाई यहाँ ना, 1% रिजर्वेशन थे जब हम चढ़े थे, हाँ तो 1% बैठने की जगह, बैठने की जगह, इनकी इतनी खड़े होने की जगह है। आपको दिखाता हूँ, दिखाओ नीचे का भी दिखाओ, ये देखो भीड़ इतनी सारी है भाई यार, क्या बताएं, थके हुए हैं बस, वहाँ बैठे थे यहाँ पूरे पे खड़े। तो अब उतरने वाले हैं भाई, आपका फेवरेट है खड़ा होना कौन? तो
तेरे को फेवरेट है तेरा? नहीं भाई, भाई किसी का नहीं है भाई, हम भी जाते हैं कि बैठे जाए आराम। भगवान ने ना देखो मेट्रो पे हमारे को वेट नहीं करवाया। ये लो भाई आ गया अपना, तो यहाँ से चले बाहर, चलते हैं बाहर। ये खुल गया, आ जाओ भाई। हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 18 में। तो एक गाइस अंशिका जिद कर रही है कि मुझे ये दिलवाओ, क्या चीज़ है? गुलाब का फूल। तो भाई ये रोज़ मांग रही है, कितने का भाई? 1 रुपये का है, देंगे तुम्हें? तो भाई ये जिद कर रही है, चलो एक दे दे भाई, ये वाला दे बढ़िया। ये लो, आई लव यू। तो भाई ले लिया है बिस्कुट। अब अंशिका मैम खुश हो गई है, रिएक्शन दिखा दो। नहीं जो आ रही है बनी, देखो भाई दुआ दे रहे हैं कि बनी रहे, कि बस भाई तुम्हारे भाई की बनी रहे, बस कहाँ बन जाए बस। ये लो कबूल करना, चले फिर पहुँचने वाले हैं गाइस, हम जा रहे हैं, बस चलते हैं फिर। बस थोड़ा सा रास्ता है, लेकिन वहीं जाके दिखाऊंगा फिर इन्हें। 2 मिनट का रास्ता है बस, पक्का बता देंगे ना यार, दिखाएंगे यार, नहीं बताऊंगा, दिखा दे, दिखा देते हैं ना। चलो फिर चलते हैं, जल्दी आओ। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, एंड आप लोगों को दूसरी लोकेशन बता दूं, ये DLF मॉल है नोएडा का। अब इसके अंदर है हमारा लोकेशन, तो हम इसके अंदर जा रहे हैं, तो आप पहले देख लो मॉल, फिर चलते हैं फिर इसके अंदर। सो गाइस फाइनली हम मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, एंड अब हम जा रहे हैं अपने लोकेशन पर। चले भाई, मॉल कौन सा मॉल है वो तो बता दो। फर्स्ट लोकेशन बता रहे हैं हम, बताओ। DLF मॉल आए आज नोएडा सेक्टर 18 जो की है, आपने देख ही लोगा भी क्लिप में दिखाया था मैंने आपको पूरा। अब हम मॉल के अंदर मोदी जी से कहाँ मिलने जा रहे हैं वो हम आपको आगे लोकेशन पे दिखाएंगे। चले भाई, चले चलते हैं भाई, चलो चलो मॉल का व्यू दिखा, चलो सबको। हाँ भाई हम जा रहे हैं गाइस, देखो मॉल भी बहुत प्यारा मॉल है, और ये इसलिए सज रखा है क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि क्रिसमस आने वाला है, इस चक्कर में बहुत ज्यादा सज रखा। तो गाइस आप देख रहे हो बैकग्राउंड कितना प्यारा है कि नहीं बेटा? अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। चले फिर ऊपर चलते हैं हम अपने लोकेशन पर। भाई चलो चलो तीनों चलो। तो गाइस ये लिफ्ट है यार भाई सुनो, तो ये बता मॉल कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया भाई, मॉल इतना प्यारा। आप देखो पीछे व्यू दिख रहा होगा आपको, पीछे का मॉल का, और मैं आपको ये दिखाता हूँ, इतना प्यारा व्यू है मॉल का, आ रहा है मज़ा? और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम अपने लोकेशन पर जाने वाले हैं। आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म, और हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर, और आपको नाम दिखा दो लोकेशन का क्या है। तो गाइस ये देखो, मैडम टू साउथ इंडिया। तो हम आ चुके हैं लोकेशन पर, मैं जा रहा हूँ टिकट लेने। आप जाओगे भाई टिकट लेने? मैं नहीं जाऊंगा। तो गाइस टिकट लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे टिकट काउंटर पे आ चुका हूँ, अब मैं हमारी टिकट मिल गई है भाई, हमारी टिकट मिल गई है, फिर हम अंदर घूमेंगे। भैया ये तो कैसा है? ये काफी बड़ा अट्रैक्शन है, 48 फिगर्स है हमारे पास, सेलिब्रिटीज के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लीडर के, क्रिकेटर्स के, सब के। अंदर जाने में मजा आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे, 110%। भैया कह रहे हैं बहुत एंजॉय करेंगे, आप पूरा ब्लॉग देखना फिर, देखना भैया कह रहे हैं, तो फिर आपको अंदर दिखाता हूँ, तो मैं टिकट लेकर सीधे अंदर जाके दिखाता हूँ। तो
गाइस मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ कि आप लोग उसे जानते ही होंगे, एंड जो नहीं जानता कमेंट करके जरूर बताना कि वो कौन है। बाबू दिखाओ, इससे पहचान जाएंगे क्या है? आप इससे पहचान जाओगे कौन हो सकता है वो? कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं आपको दिखवा ही देता हूँ। तो गाइस ये देखो कपिल शर्मा, इन्हें कौन कौन जानता है? जो नहीं जानता है कमेंट करके जरूर बताना कि ये कौन है। तो गाइस तुम्हें पता ही है कपिल शर्मा, यश भाई जरा बताओ, जरा इनके बारे में बताओ, इनका काम क्या है? तो गाइस आपको पता है सबको हंसाते हैं, जरूर बताना कौन है कपिल शर्मा है। जो नहीं जानते वो कपिल शर्मा ही कमेंट कर देगा। अरे देखो चेक करना गलती से। हां तो गाइस मैं आपको और भी आगे दिखाता हूं। तो गाइस आप लोगों ने कपिल शर्मा से तो मिल लिया, अब मैं आपको ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जिसकी जितने भी उम्र हो जाए लेकिन वो रहता उतने का ही है। आप समझ गए क्या? नहीं समझे बता दे। अनिल कपूर सर मैं मिलवाता हूँ आपसे, अनिल कपूर सर को। तो गाइस ये देखो अनिल कपूर सर से। तो गाइस अनिल कपूर सर के पास आज खान के साथ खेलने वाला हूँ 1-1 करोड़ रुपए का सवाल। तो ये सवाल हो गई है।
मिनट आगे। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, मिलता हूँ आपको।